हमें रात को तो कोई आ ही ना सके। टीना जी इसमें तय खाना हो रहा है अंदर, देख के आए कहा है जाना। जी क्या क्या बना रखा है देखिए, जो बीच में ईटे क्यों लेटा रखी है, क्या होता था यहाँ पे। देखो ये कमरा नंबर 3, और कैसे बिल्कुल बाहर से अंदर जाना पड़ रहा है। टूटी टूटी सी सीढ़ियाँ हैं, बहुत पुराना है। तो सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। एक्चुअल में गुड आफ्टरनून हो रही है, और आज हम आए हैं 84 कुटिया कहते हैं इसको, मगर अंग्रेजी में कहें तो बीटल्स आश्रम है। कि ऋषिकेश में वो जगह है जहाँ पे बीटल्स बैंड आके रुका था कुछ टाइम के लिए, और यहाँ पे कुछ मेडिटेशन केव्स वगैरह वो सारी चीज़ें हैं, और कुल मिला के खंडर है। तो आज हम खंडर देखने आए हैं। आओ खंडर देख के आए। यहाँ में रात को तो कोई आ ही ना सके। टीना जी पेंटिंग पुंटिंग कर रखी है लोगों ने। लो जी इसमें तय खाना हो रहा है अंदर, ये वहां से आना था रास्ता। देख के आए कहा है जाना। अरे भाई साहब तो छोटा सा है ये तो। वैसे ही होगा कैसे उसमें था। फोटो गैलरी कहाँ है जाना। अच्छा बीटल्स कहीं है। वो बीटल ग्रुप था ना, ये बहुत फेमस ग्रुप था विदेश का। हाँ मतलब वो नहीं है। अरे बहुत पहले की बात है, हम पैदा भी नहीं हुए थे तब की बात है। क्या जा हमें कैंटीन में क्या जाना है। लो जी मेडिटेशन करने का तरीका, क्या बोलिए क्या है क्या है। ये भुवन एसोसिएशन चलानी है, बच्चे बच्चे मिलने में पहुंच गए। हवा मात्रा में खूब खंडर है। ये लो पेड़ गिर गया है। अब ये पेड़ ही कितना सुंदर लगेगा। किशन आ गए, लाल आँखें हैं। लो जी प्रेमी जोड़े को जय मिलता है, बस जगह जगह लिख दो आर यू प्राउड वॉट यू हैव बिकम। बिल्कुल जी। मशरूम खाने। जय बाबा भोलानंद। कंस्ट्रक्टेड इन 1960 प्रिंटिंग प्रेस। अब चीन आया बेचारी, खंडर खंडर बचवा बस। अभी क्या है यहाँ पे कि हॉल बना रखा है इन्होंने, इसमें पेंटिंग कर रखी है जगह जगह दीवारों पे, सुंदर सुंदर कैनवास पेंटिंग टाइप कह लो, और कुछ अच्छे पेंटर्स ही होंगे जिन्होंने पेंटिंग करी होगी। मैं पूरा हॉल दिखाता हूँ एक बार। मैं अंदर चल रहे हैं भूतिया महल में, अंदर चल रहे हैं। ओ भाई साहब आंटी सोच रही है, आंटी सोच रही है कुछ। चलो जी चलो, डरो नहीं आ जा। हो भाई साहब ऐसी डरावनी सी चली गई है। अंदर कोई नाम बोल रहे, ऊपर चल रहे आ जा।
वो भाई साहब शेर तीता छप रहे हैं यहाँ पे तो इसमें कौन कान कौन आगे पेंटिंग कर गया जो पीछे निकल आए घूम के जो क्या क्या बना रखा है देखिए जो बीच में ईटें क्यों लटा रखी हैं क्या होता था यहाँ पे जी की आवाज में उनको आनंद आता होगा ना घर के लोग आश्रम के लोग इस क्षेत्र में दीवारों पे लिखना सख्त मना है या लिखा हुआ है 500 रुपये जुर्माना मगर मानता कौन है फिर भी लिख के चले गए ये सब इन्होंने मेडिटेशन चैम्बर सब अंडरग्राउंड बना रखे हैं चुपचाप मेडिटेशन कर लो वो भाई साहब गंगा जी का व्यू हमने देख लिया है बीटल्स वाली गुफा खंडर कह लो पेंटिंग का एक वो कह लो म्यूजियम वो सब देख लिया है और अच्छी बात क्या है कि 84 कुटिया मतलब 84 यहाँ पे मेडिटेशन छोटी छोटी हट्स हैं ये वुड हट्स नहीं है ये आपने देखी होंगी ना जैसे उस तरह के ये स्टोन से बनाई हुई हट्स है तो किसी टाइम पे महाराज जी कोई योगी हुआ करते होंगे तो वो यहाँ पे अपना मेडिटेशन करते थे देखो कोई गाय को बांध गया यहाँ पे ये लो बछड़े कोई बांध गया कोई सामने गंगा जी का बड़ा खतरनाक है और अब हम जा रहे हैं गंगा जी के तट पे बिल्कुल बीच टाइप फीलिंग होगी यहाँ पे बीच में जो यहाँ से पानी शुद्ध मिलेगा ना वो कहीं से नहीं मिलेगा अब ये वहाँ ऊपर से आए वहाँ से गंगा जी के तट में बच्चा पढ़ाई कर रहा है ऐसा गंगा जी का व्यू किसी ने नहीं देखा होगा ये देखो कितना जबरदस्त व्यू है शानदार नदियों में ही ऐसा होता है कि ऊपर से जो माउंटेन से जो पत्थर आते हैं वो नदी से बहाव से रगड़ते रगड़ते और पत्थरों से रगड़ते रगड़ते बिल्कुल ऐसे मक्खन जैसे हो जाते हैं तो यहाँ मान के चलो करोड़ों पत्थर हैं ऐसे गोल गोल और कुछ पत्थर तो बिल्कुल बराबर एग्जैक्ट में से कटे हुए हैं तो अब हम आगे फोटो खींचने के लिए जो पुल दिखाया था अभी उस पुल पे तो नहीं पुल पे तो वो है यहाँ से पुल का फोटो अच्छा है उसके लिए जा रहे हैं आगे ये गंगा जी का ये वाला तट तो मुझे सबसे बढ़िया तटों में से एक लगा ऐसे ही और तट आगे भी होंगे जहाँ बेस कैंपिंग और राफ्टिंग होती है ना बहुत सारे तट आगे ऐसे हैं जहाँ पे रात को आपको बीच पे इसी तरह से मतलब रिवर बेड पे ही आपको कमरे मिलेंगे आप सो सकते हैं आराम से तो ये भी एक अच्छा मैं कहूँ तो एक्सपीरियंस रहेगा बट वही है गर्मी में बहुत ख़राब रहेगा या तो आप हल्की सर्दी में आए ये वाला मौसम ठीक है अभी जो भी उसके बाद का मौसम तो भैया जहर मौसम है फिर तो बेकार है आना देख लिया होगा बीटल्स का वो जो आश्रम था वो कैसा है और अब हम जा रहे हैं हमारे खेलने के लिए अभी बज रहे हैं शाम के 7 आज एक घंटा पहले जा रहे हैं क्योंकि आ गए हैं टाइम से तो निकल जाते हैं नहीं तो फिर वो ग्राउंड वगैरह सब गिर जाता है तो हमारा आज बैडमिंटन का कोर्स पूरा कम्प्लीट हो गया 1.5 घंटे का अब हम इस ब्लॉग को एंड कर रहे हैं आज जाके सोएंगे थोड़ा थक गए हैं तो आशा करते हैं अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर कर दो कमेंट करो लाइक करो मौज करो ख्याल रखो अगले ब्लॉग में मिलेंगे तब तक के लिए राम राम।